जी आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पी आर पाथवेज पे। आई होप सो आप बेहतरीन कर रहे हैं। फिर से स्वागत है एक ज़बरदस्त शानदार और मज़ेदार की वीडियो में। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि मैं कवर करूंगा जी कनाडा का एक ऐसा प्रोविंस जो बहुत ही स्पेशल है, जो कि अभी भी अनडिस्कवर्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। तो प्रोविंस का नाम है न्यूफाउंडलैंड की बहुत सारी PNPs हैं। तो मैं आज जो कवर करने वाला हूँ एक्सप्रेस एंट्री PNP न्यूफाउंडलैंड की डिटेल में कवर करूँगा, इन्फॉर्मेशन एक एक चीज़ बताऊँगा। चेक करना वीडियो एंड तक और प्लीज़ बने रहिए PR पाथवेज पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि एज़ पर माय अंडरस्टैंडिंग अभी भी वो ऐसा प्रोविंस है जहाँ पे अगर आप मूव कर जाते हैं तो आपको ईजिली PR मिल सकती है। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स एक्सप्लोर दिस अमेजिंग प्रोविंस न्यूफाउंडलैंड। तो गाइज बात कर रहे हैं एक अमेजिंग प्रोविंस की जिसका नाम है न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। एक्चुअली ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक लैब्राडोर जो कि मेनलैंड से कनेक्टेड है और एक है न्यूफाउंडलैंड जो कि एक आइलैंड है, बेसिकली एक आइलैंड है। तो जो लैब्राडोर प्रोविंस है या लैब्राडोर जो पार्ट है न्यूफाउंडलैंड का, वो क्यूबेक के क्लोज है, क्यूबेक के आसपास है। और जो दूसरा वाला है वो एक अलग सा आइलैंड है, उसको आइलैंड बोला गया। तो जब मैंने कनाडा आना था तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो मैं वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का नाम है मेमोरियल यूनिवर्सिटी, मैं एक्सप्लोर कर रहा था वहाँ पे मास्टर्स, और मैं कोशिश कर रहा था कि वहाँ पे मेरे को इजीली मास्टर्स मिल जाए। मिल भी जानी थी, मैंने अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर वो इतना एक्सप्लोर्ड नहीं है, जॉब्स का थोड़ा इशू होना था। पर अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जो ट्यूशन फीस है बहुत कम है, तो आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ जी न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की PNP की, जो कि बहुत सारी PNPs हैं यहाँ पे। आज मैं बात करूँगा एक्सप्रेस एंट्री PNP की। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ये लैब्राडोर में ये PNP स्टार्ट कब हुई। ये बेसिकली PNP स्टार्ट हुई थी 1999 में और ये वन ऑफ द फर्स्ट PNPs है पूरी कनाडा में। मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या कौन कौन सी इसकी PNPs हैं, फिर हम डिटेल में एक एक चीज़ कवर करेंगे एक्सप्रेस एंट्री PNP कैसे काम करती है यहाँ पे। बने रहिए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ जो न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर है इसमें 5 PNPs हैं इन टोटल। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं पांचों आज नहीं कवर करूँगा, आज फोकस रहेगा हमारा न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की एक्सप्रेस एंट्री PNP के। इसको बोला जाता है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर एक्सप्रेस एंट्री स्किल्ड वर्कर कैटेगरी। ये आ गई पहली। दूसरी जो कैटेगरी है वो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी का नाम है इंटरनेशनल ग्रेजुएट कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी है इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर कैटेगरी। फिफ्थ जो कैटेगरी है वो है इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी। नाम से काफ़ी कुछ एक्सप्लेन हो रहा है, बट मैं जो आज कवर करूँगा वो फर्स्ट वाली कवर करूँगा, एक्सप्रेस वाली। तो एक्सप्रेस एंट्री PNP पे क्या क्या एलिजिबिलिटी बनती है ये कवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक जॉब ऑफर। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। बेसिकली आपने एक एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनानी है, वो पूल में जाएगी, आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, आप अप्लाई करते हैं NL PNP जो कि एक्सप्रेस एंट्री PNP है। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन भी होता है वर्क परमिट का, आप एक्सटेंड कर सकते हैं वर्क परमिट, नया भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वर्क परमिट के बाद आपको IT आता है, PR लॉन्च होती है, फिर आपको PR मिल जाती है। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है, ये ऐसे काम करती है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि कनाडा में जितने भी प्रोविंसेस हैं या टेरिटरीज़ हैं, दो तरीके से PNPs होती हैं। एक को बोलते हैं हम एनहांस्ड PNP, सेकंड PNP को बोलते हैं बेस PNP। जो एनहांस्ड PNPs होती हैं उसको एक्सपेडिट PNPs भी बोला जाता है। कनाडा के किसी भी प्रोविंस में आप चले जाइए तो ये दो तरीके से PNPs काम करती हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री जो PNPs होती हैं वो एनहांस्ड PNPs होती हैं। इसमें आपको 600 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में। अब बात करते हैं कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल आप कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी बनती है। सबसे पहले आपको चाहिए एक जॉब ऑफ़र, राइट? आपको जॉब ऑफ़र चाहिए, आपके पास एक वैलिड एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होनी चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास फुल टाइम जॉब ऑफ़र होना चाहिए, वो NOC OAB में चल सकता है, जो कि टीयर आज को बोलते हैं आज की डेट में, Tier 0, 1, 2, 3 में, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि यहाँ पर जो आपका नंबर ऑफ आवर्स होंगे पर वीक होंगे वो होंगे 30 आवर पर वीक से ज़्यादा। एलिजिबल जो एम्प्लॉयर की लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप फॉलो कर लीजिए जाके, वही एलिजिबल एम्प्लॉयर है आपको न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की PNP में हेल्प कर सकते हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास एक पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। फिफ्थ है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रोफेशन जो भी आपने, ये बेसिकली एक बेस रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा भी हो सकती हैं, तो मैं ओवरऑल कवर कर रहा हूँ।
सिक्स इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपके पास एक लाइसेंसिंग होनी चाहिए या सर्टिफिकेशन होनी चाहिए पर्टिकुलर प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली। आपका इंटेंशन होना चाहिए सेटलमेंट, ये तो हमेशा ही रहता है कि आप किसी भी प्रोविंस या टेरिटरी में चले जाइए तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वी आर हैविंग इंटेंशन टू स्टे फॉर एग्जांपल इन मैनिटोबा या फिर नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज या फिर यूकॉन, तो आपको ये बताना पड़ेगा, वो हमेशा ही रहता है किसी भी पीएनपी को आप फाइल करते हैं। आठवीं इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर कि आईलेट्स जनरल, सेल्पिप हो गया, पीटी कोर हो गया या फिर टेफ या फिर टीसीएफ स्कोर्स को ये वैलिडेट करते हैं, ये अकोमोडेट करते हैं इस पीएनपी में। अच्छा, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपके पास 67 पॉइंट्स आउट ऑफ 100 बनने चाहिए, जो ग्रिड है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। आपके पास एक अनफ मनी का रिसोर्स होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग समवेयर तो आपके T4 वगैरह या सारी चीज़ें आपकी लग जाएंगी कि हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे पास अनफ मनी है ताकि हम अपने इंडिपेंडेंस को, अपने आप को यहाँ पे सर्वाइव कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो एम्प्लॉयर है उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होंगी, वो मेट करनी चाहिए, तभी मैंने आपको बोला कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिस्ट ऑफ द एलिजिबल एम्प्लॉयर्स आपको डाल दूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे ही आपकी ये एलिजिबिलिटी बन जाती है तो आप अप्लाई करते हैं इस पर्टिकुलर न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की वेबसाइट पे जाकर। वहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं पीएनपी, उसके बाद आपको 600 पॉइंट एक्सप्रेस एंट्री में मिल जाते हैं। जैसे ही आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं तो आपका आईटीए अनिश्चित है, आप पीआर फाइल कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें ये लेटर ऑन कवर करते हैं। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ चलो आपको, क्योंकि मैंने नोट्स बना ली थी। लिस्ट मतलब चीज़ें इसमें बहुत सारी हैं, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल भी बड़ी चीज़ है। कोई भी पीएनपी है, मेरी कोशिश वीडियो में ये होती है कि मैं एक्सप्लेन में कर दूं चीज़ें ताकि किसी को समझ में आ सके अच्छे तरीके से। तो मैं ये बता देता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये चीज़ मैं पॉइंट नोट करके लेके आया हूँ। नॉट एलिजिबिलिटी कहाँ पे बनती है आपकी, अगर आपकी नो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पीएनपी। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पीएनपी। आप जो रिजॉल्व्ड चाइल्ड डिस्प्यूट में, आपका चाहे होम कंट्री है चाहे कनाडा में, तब भी आप एलिजिबल नहीं है इस पीएनपी के लिए। अगर आपने गलती से भी कोई मिस रिप्रेजेंटेशन कर दी है, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पीएनपी। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम किया है इन कनाडा आपने, देन यू आर आल्सो नॉट एलिजिबल फॉर दिस पीएनपी। अगर आपका एम्प्लॉयर, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, तब भी आप एलिजिबल नहीं हैं इस पर्टिकुलर पीएनपी के लिए। प्रोसेसिंग टाइम बता देता हूँ, ये पूरा प्रोसेसिंग टाइम पीएनपी आने तक आपका 25 डेज़ का है। मैं आगे सेग्रीगेट करूँगा ये कैसे होता है। तो ये तो थी बेसिकली ओवरऑल एलिजिबिलिटी। अब मैं कवर करूँगा इसमें डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट क्या रहेगी, बने रही है। तो उससे पहले कि मैं आपको डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट के बारे में बताऊँ, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ इसके पहले कि प्रोसेस कैसे होता है। प्रोसेस का मतलब क्या है कि आपको प्रोसेसिंग कैसे, किस तरीके से करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन गाइज मैंने जो रिसोर्स लिया है वो न्यूफाउंडलैंड वेब लैब्राडोर की प्रोविंशियल नॉमिनेशन की वेबसाइट से लिया है, एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट रिसोर्स से गैदर किया इन्फॉर्मेशन। तो पहले हम समझ लेते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस का मैंने आपको बताया था कि 21 से 25 डेज के अराउंड लग जाता है। कैसे होता है, डे वन पे जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है तब स्क्रीनिंग होती है डे वन से थ्री के बीच में, इनिशियल स्क्रीनिंग यानी, या फिर इसको बोलते हैं एप्लीकेशन स्क्रीनिंग। तो डे 4 से लेकर डे 20 के बीच में ड्यू डिलीजेंस से जो भी स्क्रीनिंग ऑफिसर होता है दोबारा चेक करता है डॉक्यूमेंटेशन आपके, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं कुछ मिसिंग तो नहीं है। अगर कुछ भी उनको लगता है तो वो आपको इंटीमेट करते हैं ईमेल के थ्रू, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ईमेल करते हैं या फिर पोर्टल पर इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो आपको बता देंगे कि हाँ भाई ये चीज़ मिसिंग है, ये अपलोड कर दीजिए, T4 चाहिए, कुछ भी चाहिए वो बता देंगे। डे 21 से लेकर डे 25 के बीच में आपकी असेसमेंट होती है और आपका फाइनल डिसीजन रिवील होता है, अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, ये सारा कुछ मोस्ट ऑफ द केसेस में अप्रूव्ड होता है अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन ठीक लगाई है। फिर से बता देना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमें एक मोटिवेशन मिलती है, हमें एक हौसला अफजाई मिलती है, हम और अच्छा बेहतर कर सके आपके लिए। तो अब मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की, एक एक डॉक्यूमेंट क्लियर कर दूँगा। आपको कोई भी डाउट आता है मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मेरे को यहाँ पे कमेंट कर दीजिए, जब भी टाइम निकलता है लगता है मैं आपको रिवर्ट बैक करता हूँ और आपके डाउट्स को लेता हूँ। तो अब मैं कवर करूँगा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट इसमें क्या है। तो ये बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की, एक एक डॉक्यूमेंट कवर कर दूँगा, आपको क्लियरिटी रहेगी कि ये एक्सप्रेस एंट्री कैसे काम करती है। बहुत ही अमेजिंग प्रोग्राम है गाइस, न्यूफाउंड लैब्राडोर इतना सुंदर है, जितनी मैंने वीडियोस देखी है मेरा हमेशा से सपना है कि वहाँ जाके या तो शूट करूँ या फिर वहाँ जाके कुछ कलैबोरेट करूँ, क्योंकि मेरे को वो बहुत पसंद आया जितनी कि मैंने जितना मैंने देखा है न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर वीडियोज़ में इंस्टाग्राम पर, बहुत ब्यूटीफुल है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट की।
सबसे पहले आता है कि आपको एक अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट जिसको पासपोर्ट बोलते हैं वो चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप वर्क पे हैं, स्टडी पे हैं, विजिटर पे हैं या किसी रिकॉर्ड पे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। फिर आता है अगर आपके डिपेंडेंट है या फिर आपका स्पाउस है तो आपके मैरिज सर्टिफिकेट, ये सारा कुछ, बर्थ सर्टिफिकेट उनके, ये सारा लगेगा। कुछ आपका डिस्प्यूट हुआ है पहले प्रीवियसली, डिवोर्स सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, अगर कुछ ऐसी चीज़ चल रही है तो ये लगेंगे। अब आपका एक प्रूफ ऑफ कस्टडी लगता है, अगर आपके पास कोई डिपेंडेंट है या आपके पास चाइल्ड है, अब आप उसको कैरी कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन में, तो आपके पास प्रूफ ऑफ एक कस्टडी होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक्सप्रेस एंट्री जॉब प्रोफाइल, ये मैं आपको एक्चुअली जो बता रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स, ये जनरल पीएनपी की है, तो बाकी पीएनपीज जितनी मैंने आपको बताई हैं उन सब में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री जॉब कोड होना चाहिए, एक प्रोफाइल नंबर होना चाहिए आपके पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू लगा रहे हैं। अच्छा, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन में कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं आपके, T4 हो सकते हैं आपके, पे स्टब्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें वो आप चेकलिस्ट में एक बार देख लेना, वो सारी चीज़ें मेंशन की हुई है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन में आपके आपकी पे स्टब्स, आपका बैंक स्टेटमेंट्स, आपकी इनकम वगैरह, ये सारी चीज़ें शो हो जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशनल डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आपकी डिग्री, आपका स्कूलिंग, आपकी हाई स्कूल, आपका पोस्ट सेकेंडरी, कुछ भी है आपका, आपके डिपेंडेंट का या फिर आपके स्पाउस का, वो सब का लगेगा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है लैंग्वेज स्कोर, जैसे मैंने आपको बता दिया सेल्फ पिप यूज़ हो जाता है, यहाँ पे आइलेट्स यूज़ कर सकते हैं, पीटी कोर यूज़ कर सकते हैं, उसका स्कोर आपका लगेगा। फिर आता है पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपकी होम कंट्री से ज़रूर लगेगा। फिर आता है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव है कनाडा में, आपका ब्रदर है, कोई सिस्टर है, कोई आंट है, कोई अंकल है, उनका प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आपका एप्लीकेशन में लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके कोई रिलेटिव पीआर है तो उसका पीआर कार्ड लग जाएगा। ऐसे करके और डॉक्यूमेंटेशंस लग सकती हैं। तो ये थी ओवरऑल वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी एक एक चीज़, आपको आई होप सो अंडरस्टैंडिंग बनी हो कि न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की पीएनपी कैसे काम करती है। कुछ डाउट है जिसमें मैंने बताया तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं पीआर पाथवेज पे। हमेशा मैं सेशन लेता रहता हूँ सैटरडेज़ को, जब डाउट्स होते हैं ज़्यादा तो मैं सेशन लाइव करता हूँ, नहीं होते डाउट्स तो मैं 1-on-1 कॉल्स भी कर लेता हूँ और यहाँ पे कमेंट पे भी रिप्लाई कर देता हूँ। तो ये थी आज की वीडियोस, आई होप सो आपको समझ में आया हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ डायरेक्शन मिली हो। ऐसी वीडियोज़ के लिए बने रहिए पीआर पाथवेज पे, हमें सपोर्ट कीजिए, आपकी ज़रूरत है सपोर्ट की। और फिर से स्वागत करेंगे नेक्स्ट टाइम इसके पार्ट सेकंड में, जिसमें मैं और पीएनपीज कवर करूंगा। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, शबा खैर, ख्याल रखिए अपना और एंजॉय कीजिए लाइफ। लॉन्ग वीकेंड है यहाँ, तो रिमेम्बरेंस डे है, तो एक पैट्रियाटिक सी फीलिंग आती है। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।